केरल के मल्लापुरम में एक गर्भवती हाथनी की मौत की खबर आप सबको पता है। कैसे इंसानों ने एक निर्दोष जानवर की जान ले ली। इस हाथनी की मौत से पूरे देश में गुस्सा और गम। फिर चाहे आम नागरिक हो या फिर आर्टिस्ट, बिजनेसमैन हो, नेता, क्रिकेटर या फिर कोई और सेलिब्रिटी, जिसने भी ये खबर देखी या सुनी उसने इस हाथनी के लिए इंसाफ मांगा। इस हाथनी की मौत के बाद देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने पोस्ट लिखकर इंसाफ मांगा है। रतन टाटा ने 3 जून को ट्विटर पर लिखा, मैं यह जानकर दुखी और हैरान हूं कि कुछ लोगों ने एक बेकसूर गर्भवती हथनी को पटाखे भरा अनानास खिलाकर मार दिया। भोले भाले जानवरों के प्रति इस तरह का आपराधिक रवैया ठीक वैसा ही है जैसे किसी इंसान की इरादतन हत्या। न्याय होना चाहिए। इस मामले पर जानवरों के हित की बात करने के लिए जाने जाने वाली मेनका गांधी ने भी गुस्सा जताया था और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। गौरतलब है कि कुछ लोगों ने अनानास में पटाखा रखकर हथनी को खिला दिया था, जो हथनी के मुंह में फट गया था, जिसके कारण वो बुरी तरह से घायल हो गई और 3 दिनों तक बेलियार नदी में खड़ी रही, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। It was very weak. So on Sunday itself, we had called one veterinary doctor, APO from Trishur. So he was of the opinion that it may not be difficult, it may be not be possible to revive back. But we'll see what kind of options are available. So we have given information to our senior officers also about the incident. Then we were told to see, wait and watch and see how the, you know, how the animal behaves and all. So then we came to today. So we were, what we had planned was if we can drive the animal out using kumkis, we'll bring him to safe spot and we'll get him examined and all. Anyways, we have very little hope of reviving actually the animal because it has not been eating for so many days now. So yeah, once you see saw it before we could take the animal out, the animal had collapsed.